नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह संकेत देते हैं मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति के बारे में, खराब कर देते हैं आपके संबंध, तलाक तक आ जाती है नौबत। दोस्तों, मंगल ग्रह को नौ ग्रहों का स्वामी माना जाता है। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो दोष निवारण के लिए माना जाता है। मंगल ग्रह तेज और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत ही शक्तिशाली ग्रह में से माने गए हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह के बारे में, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह कौन है और इसकी अशुभ स्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल देवता की चार भुजाएं हैं। इनके शरीर के रोएं लाल हैं। इनके हाथों में क्रम से अभय मुद्रा, त्रिशूल, गदा, वर मुद्रा है। इन्होंने लास माला और लास वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सर पर स्वर्ण मुकुट है तथा यह मेघ भेड़ा के वाहन का सवार करते हैं। वाराह कल्प की बात है। हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था और पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने वराहावतार लिया तथा हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी देवी का उद्धार किया। उस समय भगवान को देखकर पृथ्वी देवी अत्यंत ही प्रसन्न हुई और मन में भगवान को प्रतिरूप में वरण करने की इच्छा हुई। वराहावतार के समय भगवान के तेज करोड़ों सूर्य की तरह था। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी की कामना का पूर्ण करने के लिए भगवान अपने मनोरम रूप में आ गए और पृथ्वी देवी के साथ दिव्य एक वर्ष तक एकांत में रहे। पृथ्वी देवी और भगवान के संयोग से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मंगल ग्रह की उत्पत्ति की विभिन्न कथाएं हैं। पूजा के प्रयोग में इन्हें भी भरद्वार कहकर संबोधित किया जाता है। यह कथा गणेश पुराण में आई है। मंगल ग्रह की पूजा की बड़ी महिमा बताई गई है। यह प्रसन्न होकर मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मंगल व्रत में ताम्रपत पर भौम यंत्र लिखकर तथा मंगल की स्वर्णमय प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पूजा करने का विधान है। मंगल देवता के नामों का पाठ करने से व्यक्ति को ऋण से मुक्ति मिलती है। यह एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि ये वक्र गति से ना चले तो एक राशि को तीन तीन पक्ष में भोगते हुए 12 राशियों को डेढ़ वर्ष में पार करते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए शिव उपासना तथा प्रवाल रत्न धारण करने का विधान बताया गया है। दान में तांबा, सोना, गेहूं, लाल वस्त्र, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर, कस्तूरी, लाल वृषभ, मसूर की दाल तथा भूमि देना चाहिए। मंगल वार के दिन व्रत करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इनकी महादशा 7 वर्षों तक चलती है। यह मेष तथा वृश्चिक राशि के स्वामी है। सौर्यमंडल में मंगल का अपना स्थान है। मंगल ग्रह धरती को शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव के लिए भी बताता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी माना जाता है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास, पराक्रम का स्वामी है। इसका मुख्य रंग लाल होता है। मेष और वृश्चिक राशि अधिक प्रभाव में होता है। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। विवाह के समय कुंडली में मंगल की स्थिति को खास तौर पर देखा जाता है। यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो जीवन मंगलमय हो जाता है और अगर मंगल अशुभ हो तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां पैदा कर देता है। खासकर वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में मंगल की अशुभ स्थितियों से पति पत्नी के बीच कलह पैदा कर देती है, क्योंकि मंगल को उग्र ग्रह माना गया है। ऐसे में कई बार तलाक तक की होने की संभावना भी बन जाती है। मंगल ग्रह के अशुभ स्थिति के कुछ प्रभाव होते हैं। पहला है, शादी विवाह में रुकावटें आने लगती हैं, शादी टूट भी जाती है। दूसरा है, इससे पति पत्नी के बीच अहम के टकराव के चलते झगड़ा तलाक तक पहुंच जाता है। तीसरा है, भूमि संबंधी कार्य में नुकसान हो सकता है, मकान बनाने में परेशानी आती है और कर्ज और मुकदमे में बाजी लगी रहती है। अगर मंगल अशुभ हो तो कभी कभी जेल के दर्शन भी व्यक्ति को हो जाते हैं और मंगल की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी और समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आज हमने आपको बताया कि मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को किन किन परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है और आखिर मंगल ग्रह कौन है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।